हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले हमें फिगर पढ़ने हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए टोटल सर्फेस एरिया हमें पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, डायगोनल कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का और एरिया ऑफ फोर वॉल्स कैसे निकालते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हमें क्यूब के लिए पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और क्यूब का डायगोनल कैसे निकालते हैं। जहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है, ए आपका साइड ऑफ द क्यूब। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स राइट सर्कुलर सिलेंडर की। राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया निकालना है आपको ईच एंड का, यानी सर्कुलर एंड होता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्व सर्फेस एरिया जो बाहर बाहर का होता है, टोटल सर्फेस एरिया जो दोनों मिला के होते हैं और वॉल्यूम। उसके बाद होलो सिलेंडर, अगर अंदर से सिलेंडर होलो है तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, वैसे ही आपका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उसके बाद कोन देखा होगा स्टूडेंट आपने टोपी की शेप का, ठीक है, इन्वर्टेड कोन भी होता है और सीधा टोपी वाला भी होता है आपका। तो उसके लिए आपको स्लांट हाइट निकालनी होगी। स्लांट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, जो बाहर की हाइट होती है। सी ए से निकालना है, वही टी ए से निकालना है और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है आपको कोन का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट स्फेयर की, तो स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हेमिस्फेयर के लिए निकालना है आपको वही कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्फेरिकल शेल के लिए निकालना है, अगर अंदर से वो ठोस नहीं है तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फ्रस्टम देखा होगा। फ्रस्टम यानी कि एक तरीके की आपकी बाल्टी हो गई, राइट। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और एल निकालने का फॉर्मूला दे रहा है, वेयर एल इज स्लांट हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके जो आपको किस में पढ़ने हैं, जो आपको चैप्टर आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपके आने वाली वीडियोस में आने वाले हैं, है ना स्टूडेंट्स, तो उससे पहले आप लोग इन फॉर्मूलोज को लर्न कर लीजिए ताकि आपके लिए वो क्वेश्चंस इजी हो जाएं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे तरीके क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो मोस्ट पॉसिबल होंगे आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपनी स्टडी को आसान बनाते जाइए। गुड लक स्टूडेंट।